एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है, देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? चार पांच नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं उनको आप चार पांच कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में तो 105 रुपीज कच्चे का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डीमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के पांच कानून, तीन कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है, तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा,
तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जाप कहाँ रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा। अब अंग्रेजी में बोल देता हूँ, डू आई नीड टू से इट इन इंग्लिश, कैन आई जस्ट, यू यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश, डू वांट मी ब्रॉडली इन इंग्लिश? हाँ, ब्रॉडली द गवर्नमेंट हैज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। न्यू कॉन्सेप्ट इज An increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crores from an increase in diesel, petrol and gas. Every single person is affected by this. There are two effects. There's a direct effect and an indirect effect. The direct effect is when people buy fuel for their scooters, their cars, diesel for their trucks. An indirect effect is when the price of diesel, petrol rises, the price of everything rises because transport costs increase. So the country is bearing a massive cost as a result of this dramatic increase. I just go into the details. In 2004, when we left office, gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 2014, the gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 885 rupees, 116% increase. Petrol was 71, it's now 101, 42% increase. Diesel was 57, now it is 88, a 55% increase. And the interesting thing is, people could argue that prices are rising, diesel, petrol prices are rising because international prices are rising, but that's not the case. Because crude oil prices were $105 when we were in power, and today they're $71. That's a decrease of 32%. Gas prices were $880 per metric ton. Today they're $653. That's a 26% drop. So the interesting thing is, there is demonetization taking place. Farmers, laborers, small traders, MSMEs, contract workers, salaried class, honest industrialists are being hit. And on the other side, there is dramatic monetization taking place, where 3-5 big industrialist friends of the Prime Minister are being benefited. There is a transfer of wealth taking place from the poor, from the weak, to the Prime Minister's friends.